हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकी एंड वेलकम टू माय चैनल निकीज़ होमली रेसिपी। मैं आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहूँगी जो है पोहा, और हमें इसे उड़ीसा में चूड़ा उपमा भी बोलते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 कप ऑफ बीटन राइस और पोहा लिया है। ये देखिए ज़्यादा मोटा या पतला भी नहीं है। 2 बारीक कटे हुए ऑनियन, 1 कटा हुआ टमाटो, 1 लेमन, कोरिएंडर लीव, करी पत्ता, 2 ग्रीन चिली, बारीक कटे हुए अदरक, 1/2 स्पून ऑफ जीरा, 1/2 स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड, 1/2 स्पून ऑफ उड़द दाल, 1/2 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 3 स्पून ऑफ बादाम, 1 स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट एंड ऑयल। तो चलिए पोहा बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम बादाम को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से पैन को ग्लास में चढ़ा दिया था। अब इसमें हम बादाम को डाल के थोड़ा लाइट फ्राई करेंगे। तो बादाम को डाल दीजिए। डालने के बाद इसको मिक्स करें और फ्राई करते रहें। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही फ्राई। अभी एक कढ़ाई लें, फिर उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। अभी ऑयल गर्म होने के बाद उसमें उड़द दाल को डाल दीजिए। उड़द दाल थोड़ा लाइट ब्राउन कलर होने तक उसको मीडियम में, लो मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिए। ये देखिए उड़द दाल का कलर ब्राउन हो गया है। फिर उसमें क्यूमिन सीड और मस्टर्ड सीड को डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कीजिए। फिर इसमें कटा हुआ अदरक को डाल दें। अदरक का कलर थोड़ा चेंज होने तक उसको फ्राई करें, वरना ये मुंह में जाएगा तो कच्चा लगेगा। ये देखिए अदरक का कलर चेंज हो रहा है। फिर इसमें ग्रीन चिली और करी पत्ता को डाल दें। सब को मिक्स करके अच्छे से फ्राई करें। अब इसमें कटा हुआ प्याज को डाल दें। प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करें। ये देखिए ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अपने बादाम को डालेंगे। फिर बादाम को प्याज के साथ थोड़े देर के लिए फ्राई करेंगे। अब टर्मरिक पाउडर को डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़े देर के लिए फ्राई कीजिए। अब इसमें हम टमाटो को डालेंगे। टमाटो को थोड़ा मिक्स करें, उसके साथ थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दीजिए। तो ये टमाटो को अच्छे से पकने में हेल्प करेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसका ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम में इसको पकने दें। अभी 2 मिनट हो गया है। ये देखिए टमाटो बहुत अच्छे से पक गया है, एकदम टेंडर जैसा हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला को डालेंगे और इसको 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अभी हमारा मसाला पक रहा है, इस बीच में पोहा को धो लेते हैं। बस इसको एक बार पानी से धो के इमिडिएटली निकाल दीजिए, वरना पोहा ज़्यादा सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएगा। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें अपने वॉश किए हुए पोहे को डाल देंगे। पोहे को डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स करें, उसके साथ थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें।
अब इसमें आधा लेमन जूस को डाल दे। ये देखिए जिससे लेमन का सीड अंदर ना चला जाए, लेमन जूस को डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स करें, इसका ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दें। अभी 2 मिनट हो गया है, ये देखिए पोहा बहुत अच्छे से बन गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अब इसमें कोरिएंडर लीफ को डाल दे, फिर से इसको थोड़ा मिक्स करें। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल दे। ये देखिए पोहा रेडी हो गया है। आप इसे लेमन के साथ, धनिया पत्ता के साथ गार्निश करके सर्व करें। आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर स्नैक के टाइम पे भी खा सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, तो आप इसे अपने घर में बनाएं और मुझे फीडबैक कमेंट में लिख के बताइए। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ढेर सारे लाइक्स और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, जिसके वजह से आपको मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप कुकिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।